मैं यहाँ गाड़ी मिल गई है, यहाँ पर लिफ्ट मांग के देखते हैं। ठंडी तरह फंस चुके हैं भाई, हमारे चक्कर में बेचारा डॉग सफर कर रहा है। गाड़ी मिल गई है, यहाँ पर लिफ्ट मांग के देखते हैं। चलो, बारिश हो चुकी है कई, बहुत ठीक ठाक ज़्यादा। ठंडी तरह फंस चुके हैं और यहाँ देखो लैंडस्लाइड हुई पड़ी है पूरी, सब कुछ कीचड़ कीचड़। और इस गाड़ी में आए थे हम भाई, पता कैसे लटक के, पैडल पे बाहर बाहर लटक के। रुकेगी नहीं रुकेगी? चलो भाई चलते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। थैंक यू सो मच भाई, लिफ्ट भाई लिफ्ट मिल गई, बहुत शुक्र रहा, वरना बहुत चलना पड़ता भाई। यहाँ पर पैर धर के जा रहे हैं जैसे नेताजी जाते हैं। चलो ओए, कितना कितना आए हम गाड़ी से, कितना आ गए हम गाड़ी से, 5-5.5 किलोमीटर भाई। देखो भगते हुए आ रहा है, प्यास लग रही है बहुत गंदी वाली। भाई ने हमें लिफ्ट दे दी और भाई पता नहीं कैसे कैसे आए, वो हमने शूट नहीं करा, रिस्की होता बहुत ज़्यादा भाई। बारिश में भीग चुके हैं गंदे वाले भाई। यहाँ से नज़ारे देखो, बारिश पड़ रही है ठीक ठाक वाली। और ये टनल है, अभी टनल के अंदर खड़े हैं, ये खड़ी गाड़ी। प्रदीप भाई कहाँ लेके आए तुम? भाई हमारे चक्कर में बेचारे डॉग सफ़र कर रहा है लिटरली, तुम्हें नहीं पता कैसा आए हम। जैसे नेता देखे तो मैं, नेता कैसे चलते हैं गाड़ी में भाई, हाँ मतलब भाई सिर्फ गाड़ी के बाहर लटके हुए हैं, बारिश पड़ रही है, चीटी चीटी चीट मुंह पे। और कान देखो भाई लाल हो गया, स्वेलिंग आ गई है। अगर नहीं पता तो भाई मेरे स्वेलिंग आ जाती है, ठंड में झेल नहीं पाता। और भाई देखो बारिश पड़ रही है फिर दोबारा भाई। इस कुत्ते की मेरे को दाद देनी पड़ेगी भाई। चल क्या है यार प्रदीप भाई, कुछ तो हैं। चार रोटी दी थी मैंने, चार पूड़ी खिलाई थी और दो बिस्कुट खिलाए थे, अभी तक कर्ज अदा कर रहा है उसका। प्राउड ऑफ माई बॉयज। और भाई वो अभी एक भाई मिल गए, उन्होंने लिफ्ट दे दी लिटरली, वरना हम तो फंस जाते यार। बारिश सही ठीक ठाक वाली पड़ रही है, ना कुछ स्टे है, तुम कहाँ रुकोगे यार बाहर, यही नहीं कुछ छत नहीं होता, ये भी नहीं कुछ जगह हो मतलब ओट मिल जाए वहाँ पर थोड़ी, ऐसा भी नहीं है भाई। चलते रहो नॉन स्टॉप, कोई दुकान भी नहीं है। और अभी ये तो पता नहीं कहाँ कितनी दूर है, 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है सीधा माना गाँव। तो मैं बारिश दिखाता हूँ अगर दिख रही हो तो। वो ब्लर हो गया, दिख रहा है भाई हल्का हल्का, कुछ दिख रहा है? मैं बता रहा हूँ बारिश पड़ रही है, तो हालत ऐसी हो रखी है पूरे गीले हो गए भाई। तो दोस्तों पहला थैंक यू इन चार भाइयों को जिन्होंने हमें अभी लिफ्ट दिया है भाई। 6 किलोमीटर रह गया था और बारिश इतनी तेज हो गई थी, लैपटॉप भीग जाता मेरे साथ, दो तीन चीजें। अगर वो भाई नहीं मिलते ना भाई, हम पता नहीं कहीं फंसे रहते। और भाई कितना चलना पड़ता इसका अंदाजा भी नहीं हमें। हम 4 किलोमीटर सोच के ना पता नहीं कितना आगे आ गए। और बारिश इतनी तेज हो रही, पीछे दिखाऊं तो ये देखो क्लाउड हो गए। और गुफा में रुके, गुफा नहीं टनल है, वैसे एक टनल है जो अभी बन रही है, आधी बनी है, इसके अंदर रोकी है भाई। उनके पास आई सुजू थी, आई सुजू में लिफ्ट दे के आए हैं, लिफ्ट मांग के आए हैं। सामान हालांकि सेफ है, लेकिन हम जो आए ना प्रधान की तरह आया पूरा, मतलब बाहर लटक के एमएलए वाली फीलिंग। तुमने जैसे इलेक्शन में चलते हैं ना, मतलब बाहर जो फुट पैडल होता है गाड़ी का, पूरा चुनाव का प्रचार जैसे करते हैं स्कॉर्पियो के बाहर लग के, पूरा चचा विधायक हमारे, तो वो वाली फील आ रही थी। और यहाँ लग रही है और हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा अलग चल रही है, बारिश अलग हो रही है। और अभी 3 किलोमीटर अलग भीग के जाना है। मैं कोई नहीं भाई, भीग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, सामान बच जाए और हम पहुंच जाए बस। एडवेंचर तगड़ा मिला भाई, बहुत तगड़ा एडवेंचर है, अनबिलीवेबल, मतलब अभी तक तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्या समझ रहे हो मुझे भैया, इसको एडवेंचर करना था, एडवेंचर ले ले। दिल्ली के मेट्रो में घूमता मैं आराम से। मलाना में भाई अभी देख लो कितना एडवेंचर मिला, अभी आए नहीं हम भाई बस, लेकिन लास्ट स्टॉप हुई है। वीडियो पे लाइक और कमेंट से चलना चाहिए, यहाँ अगर आना ना भाई तुम्हें, तुम्हारे लिए आए हम। तो भाई 4x4 लेके आना, और बाइक लेके आओ तो हार्ड बाइक लेके आना, कोई मतलब मोटे बाइक जो तुम्हें धोखा ना दे, बस समझ जाओ क्या कह रहा हूँ मैं। चाचा की डिस्कवर नहीं चलेगी, स्प्लेंडर नहीं चलेगी यहाँ पे। तो भाई गाड़ी आ चुकी है, ये गाड़ी है भाई, इस गाड़ी में आए दोस्तों, ये देखो। चलो अब यहाँ से आगे निकलेंगे इन भाइयों के साथ। ये कुत्ता दोबारा आएगा, ये साथ में आया था अपन, साथ में जाएगा। अब देखो विधायक की फीलिंग कैसे लेते हैं, विधायक की फीलिंग आएगी पूरी पूरी।
ये गाड़ी है और इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है, इससे आगे हम जा नहीं सकते और अभी हम फंस गए हैं यहाँ पे। लिटरली पूरी हाइट है और ये भाई खड़े हैं, इससे आगे कोई रोड नहीं है। कहाँ ले आया मैं भाई, अब गाड़ी बैग ले रहे हैं, पता नहीं कैसे लेंगे भाई। रोड देख लो बिल्कुल खत्म है, हाँ ऑफ रोडिंग भाई पूरी पूरी। भाई भाई चला के लाए, मैं पता नहीं कैसे चला के लाए भाई, हैट्स ऑफ भाई। इस साइड कोई रोड नहीं है भाई, देख लो इतनी हाइट पा चुके हम, इस साइड कुछ भी नहीं है भाई, दिस इज द एंड। गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल जाओ तो चले जाओ, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, कोई घर वर कुछ दिख नहीं रहे। घर दिख रहे थे पीछे, वो पता नहीं कौन से पहाड़ पे थे, उसी के चक्कर में हम आगे कि वो मिलेगा मलाना, और पता नहीं कहाँ रह गया मलाना। एक तो ठंड लग रही भाई, पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, मेरे ख्याल से फीवर वीवर हो सकता है। तो भाई अभी सीन ये है कि हम गलत रास्ते पे चले गए थे, मलाना वहाँ से नहीं है, मलाना अभी देखो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये जो जा रहा है ऊपर, ये पैदल पैदल वाला, वो जो गांव से दिख रहा है छोटा सा घर भर है, वहाँ जाना है हमें। चलो पहले हम क्या करेंगे, पहले वहाँ पर कोई रूम लेंगे अपने, थोड़ा फ्रेश होंगे, अपना चेंज वेंज करेंगे, बैग रखेंगे ताकि थोड़ा हल्का हो जाए यार, सुबह से चल रही लिटरली शरीर ख़राब हो गया। और जो है फिर उसके बाद मलाना जाएंगे, फिर वहाँ घूम के फिर आएंगे, वहाँ से उतर के फिर ऊपर चढ़ेंगे, बैग लेंगे, फिर आगे जाएंगे, समझियो ये करना है आज। तो भाई अभी हम यहाँ पर एक रूम देख रहे हैं ठहरने के लिए, आगे की यात्रा कल शुरू करेंगे हम, बस देख रहे हैं अभी कोई कन्फर्म नहीं है। तो भाई अभी हमने ये रूम ले लिया छोटा सा चार जनों के लिए, और भाई बाहर सीन ये है, मुझे क्या लग रहा है देखो, मलाना गांव शायद से वो है, ये जो आप दिख रहा है ये यहाँ पर ये। तो भाई सीन ये है कि अभी हमने रूम ले लिया है और अभी हम यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, पेट को थोड़ी शांति मिले, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज, लिटरली स्कैरी है भाई बहुत ज़्यादा। जितनी सुंदर दिख रही है ना वादियाँ, उससे कई जो ज़्यादा गुना भाई खतरनाक है। पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे मलाना गांव के लिए। अरे आ रहा, रुक जा। तो भाई सीन ये है कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में मलाना कर रहा हूँ, तो भाई देखो पीछे गाँव दिख रहा है आपको, देखो ये है मलाना। चलते हैं फटाफट, और अभी मैगी खाई है हमने, तो बस इतना ही सही है यार। अभी वहाँ से आएंगे फिर उतर के आएंगे, तब कुछ खाएंगे आराम से, वरना फिर भरे पेट पे यार चलता नहीं ना मामला। बस पर बारिश यार दोबारा स्टार्ट हो गई है, कपड़े मैंने चेंज नहीं करे, तुम देख रहे हो यार, पर दूसरा व्लॉग है, कपड़े यही है, क्योंकि भाई देखो अब दूसरे पहनता वो भी गीले हो जाते, तो उससे बड़े कोई फ़ायदा नहीं, गीले गीले करके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, जब वहाँ से आएंगे गीले होके तब पहनेंगे हम, ठीक है। चलते हैं मलाना। तो भाई देखो वो है मलाना गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सुबह से। तो भाई फाइनली चलते हैं मलाना और आपको दिखाते हैं, जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं, वहीं नहीं पहुँचा अभी तक यार, पर उससे पहले का एडवेंचर भाई देख लो तुम कितना तगड़ा था। असली तो मैंने शूट ही नहीं करा, क्योंकि भाई देखो जान वान का भी रिस्क था, बट जितना हो सका मैंने कर लिया। कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट लाइक हो जाने चाहिए, वरना बिन नहीं करोगे तुम तो गुस्सा आ जाएगी, फिर वहीं मारूंगा भाई। मलाना गांव की कुछ विशेषताएं, जब मैं इतनी बात कर ही रहा हूँ तो बता ही दूँ ये भी कि भाई वहाँ पर जो है, पहली बात तो भाई कोई बाहर का, जैसे हम टूरिस्ट हैं तो हम स्टे नहीं कर सकते उस गांव में, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही मना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको छू भी नहीं सकते, ऐसा मेरे से बोला गया है, ऐसी चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता तो है नहीं मैं यहाँ कहूँ नहीं। भाई देखो कि क्लाउड है ये बादल, चलो भाई चलो प्रदीप भाई, बहुत दूर है, ऊपर से चप्पलों में और लेके आए हो तुम भाई, मेरे शू बिक गए थे यार, फिर मैंने मन नहीं करा उन्हें पहनने का, बट मुझे लग रहा है कि मुझे शू पहन के आने चाहिए थे। भाई देखो ऐसे पानी के स्रोत आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, तो घबराना मत, गंदा पानी नहीं है, साफ़ पानी है ये। ऐसे करके जाएंगे हम, ये रोड दिख रहा है ऐसे, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, और हमें जाना है उस तरफ वहाँ दूर। डरावना है भाई, अभी मैं जाना है वहाँ पे, ठीक है, नज़ारे चेक मारो पहले। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें,
भाई जेसीबी गिर गई, देखो यहाँ पे दिख रही तुम्हें, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, दया कुदरती आपदा पता लगाओ, कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई। चलते चलते हालत खराब हो गई, हाँ अब तो उठा ले, हाँ पर अभी नहीं, मेरे ब्लॉग अभी बाकी है, चेक। आ जाओ भाई, थक गए भाई ये, थक गए, खैर थक तो मैं भी क्या, मैं आ जाऊँ ना। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जी, बढ़िया भाई। ये माँ ये माँ मुझे गोली मार सांस फूल गई यार। हाँ भाई क्या हुआ, बैठ कैसे गए तुम हैं? उसकी सांस फूल के देखना, तू क्यों बैठ गया भाई, हालत खराब हो चुकी है, अब तो ये पोल ही कुछ करा सकता है वहां से आया उस घर से पोल में आकर कर बिजली है, कब आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए दूर रहो। सोलर पैनल है सारे बिजली अरे फिर भी यार इलेक्ट्रिसिटी तो है ना यार, मैं तुम्हें कितने बार नजारे दिखाऊं यार, कितनी बार नजारे दिखाऊं, थक गया मैं दिखाते दिखाते हैं। मनाला दूर है मेरे भाई, दिल्ली दूर है, मनाला बहुत दूर है, पार्ट वन नहीं खत्म हो रहा था, मेरा जी कर रहा था मैं तो कब आएगा भैया, एक काम कर मैं घर जा रहा हूँ, तुम निकलो आगे। चल तो चल, तू पहुँच में आया, कितना ऊपर है? ये बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है, दिख रहे बादल ऊपर, वहाँ तक ही मान, नेक्स्ट साल तक आता हूँ मैं, तुम चलो मैं आया, चले चलो चलो चले मैं चलो भाई चलो। फिर रात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यार, आगे भी सीढ़ियां है, मैं सीढ़ियां है भाई भाई, अच्छी एक्सरसाइज हो रही है थाई की, रिटर्न आना भाई दिल्ली प्रॉपर। हालत खराब हमारे लड़कों की, चलते चलते सॉरी, चढ़ते चढ़ते ओ भाई कितने दूर से आ रहे हैं यार, ये तो हमें पता है, हमें भी नहीं पता कितने दूर से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वहाँ कहीं से आ रहे हैं यार, अभी इस साइड गए, इस साइड की साइड, चल तो सही, तू सिड्डी तेरे को पता लग जाएगी, आ जा बल्ली बल्ली आ जाएगी, जल्दी चल लो भाई, गांव वालों ने बताया कि यहाँ रात को भालू वालू भी आते हैं, तो जल्दी निकल लो यार, सीढ़ियां क्यों दी है आराम से भाई, आराम से उतरो भाई, आओ। और भाई ठीक हो? भाई ने लीड लगा रखी है, नो रिस्पॉन्स, हाँ भाई ठीक हो? बढ़िया भाई, भाई ऊपर जा रहे हैं गांव में ऐसे घूमने, रुकना तो नहीं है भाई, रुक तो हम वहां पर रहे हैं उस तरफ, हाँ भाई ठीक है भाई अब ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे, अच्छा यहाँ से भाई देख लो क्या रोड है ये, क्या बढ़िया रोड है भाई, देख लो कितनी ऊपर आ गए भाई, आ रहा वो, आई तो नहीं रहा भाई, बैठ गया वो, ए भाई हराम हराम खुर कहाँ बैठा है भाई, वो नहीं आ रहा वो, कौए चुप रहे कहाँ है, कहाँ कर रहा है भाई, हमारी टीम के दो फुस्सी मेंबर अब रुक गए, तुम वहीं तो रुके थे अभी हैं भैया, इतना ही क्या अभी, ये पहुंच के इधर पहुंच गए भाई, ये रहा तो भाई, बहुत दूर से आ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सच में नहीं पता भाई, ठीक है तो अभी बस फाइनली पहुंच चुके हैं हम गांव में, तो भाई चाय आ चुकी है अपनी, सारे भाई खींचेंगे चाय, भाई देखो मेहनत कितनी है सीरियसली, ये वहीं से आ रहे होंगे जहाँ से हम ही आ रहे हैं, तो भाई अभी हम खड़े हैं मलाना गांव, मलाना गांव अबे चुप हो जाओ, तो भाई अभी हम खड़े हैं मलाना गांव, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो और गांव है, वैसे ही कैफे है, तो अब देखो अंधेरा हो चुका है तो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, हमें माफ करो मलाना यही है, इससे पहले जो देखा वो भी सही था, है ठीक है भाई, मलाना ही है भाई, ये मलाना में कुछ खास नहीं है, गांव है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे पहले का जो एडवेंचर था उसके मजे लिए तुमने,
हाँ तो बस वही ठीक है। तो आज के इस व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसे भी लगता है कमेंट करके बता सकते हो। हम भी जाएंगे जहाँ हमने रूम लिया है, खाएंगे पियेंगे फिर सो जाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ही क्या भाई, यही अच्छा लगेगा तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें, है भाई। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं।